जय श्री महाकाल दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। मैं पवन प्रधान एक छोटे से गांव से हूं और मैं एक भगवती का उपासक के साथ साथ एक साधक भी हूं। लोग साधना के क्षेत्र में बहुत कुछ तो करना चाहते हैं, पर मैंने भी 9 साल से साधना के क्षेत्र पे बहुत कुछ किया, पर मेरे गुरु के कहने पर मैं आज एक यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ और इस यूट्यूब चैनल का नाम है गोपाल प्रधान। और मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समूह में, ज़्यादा से ज़्यादा ये में आकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा घंटे घंटे को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, जो भी हो। मैं एक बिगनर हूँ यूट्यूब को लेकर, कहा कि मुझे यूट्यूब को लेकर कोई ज्ञान नहीं है, फिर नया नया बिगनर हूँ, आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से सीख जाऊँगा तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से मैं एडिट करके दे पाऊँगा। आप मेरे ड्रेस पे मत जाइए, एक साधक इंसान इन सब चीज़ों से तो दूर रहता है, बस गुरु के कहने पर मैंने ये चालू किया है। और मेरे जो गुरु हैं वो एक साधक हैं, वो भी एक भगवती के उपासक हैं, उन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया। और साधना क्षेत्र में अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो साधना क्षेत्र को लेकर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो आजकल लोग अंधविश्वास में रह के उन चीज़ों को लेकर जोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अंधविश्वास में रह के ये बोलते हैं कि माँ काली की साधना नहीं करनी चाहिए, आदमी पागल हो जाता है, ये हो जाता है, वो, ये सब सारी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं गुरु के कहने पर आज ये यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ और मैं एक बिगनर हूँ और मुझे साधना के क्षेत्र से हूँ तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देता था, पर मेरे गुरु ने कहा कि इन चीज़ों पर करो, थोड़ा ध्यान दो, अपने आप को पब्लिश करो, लोगों से जुड़ो, तो ताकि तुम भी आगे चल के कुछ कर पाओ, क्योंकि मुझे बिजनेस पे ज़्यादा, जॉब पे ज़्यादा ये नहीं है। और आप कृपा करके एक बात हमेशा याद रखें कि आप मेरे ड्रेस पे मत जाइए दोस्तों, क्योंकि मेरे ड्रेस पे अगर आप जाइएगा तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाइएगा, क्योंकि मैं साधना को के साथ साथ बहुत और अच्छी अच्छी भी ज्ञान आपको दूंगा जो कि साधना क्षेत्र से भी जुड़े हैं और ज्ञान से भी जुड़े हैं, भगवत ज्ञान से भी जुड़े हैं। जैसे मैं एक छोटा सा चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि भगवत ज्ञान क्या है। एक्चुअल में भगवत ज्ञान भगवान का गीत है, भगवत ज्ञान एक भगवान का गीत है और उसके साथ साथ साधनाओं को लेकर भी जो भगवती के उपासक है या जो आगे चल के साधना के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। आज के जनरेशन में लोग पैसे के लिए ही मरते हैं, कोई भी इंसान ये इन सब चीज़ों से करना नहीं चाहता। आजकल के जनरेशन में बस अंधविश्वास भरा पड़ा है, हर लोग अंधविश्वास को लेकर जी रहे हैं। पर मैं अपने गुरु के कहने पर ये यूट्यूब चैनल के जरिए ये बताना चाहता हूँ लोग, आप लोगों को दोस्तों, की साधना में जो भी भ्रांतियाँ हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। और आप, मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि आप मेरे चेहरे पे मत जाइए और मेरे ड्रेस पे मत जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं अभी ड्रेस नहीं पहना हूँ तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये तो ड्रेस भी नहीं पहना है, इसका कोई हाव भाव नहीं है, ये क्या बताएगा साधना का। अगर आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों, मैं भौंकने वाले कुत्तों में से नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँ और वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप मेरे से जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और देखिए कि मैं क्या क्या आपको ला के देता हूँ। साधनाओं को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं दोस्तों, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो अनुभव को किया हूँ, जो मेरे गुरु के द्वारा किए गए मार्ग पे बताए गए जो अनुभव मुझे हैं साधना करने के बाद या भगवती की उपासना करने के बाद या भगवती से जुड़े रिलेटेड साधनाओं के बाद, वो मैं अपने बस मेरे गुरु के कहने पर मैं आप ये चैनल शुरू किया है। और मैं एक बिगनर हूँ तो मैं ज़्यादा उतना यूट्यूब में कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी इससे जुड़ा ही नहीं, बस आज मेरे गुरु ने कहा तो मैंने ये करना चालू कर दिया है। धीरे धीरे मैं और भी सारी चीज़ बताते जाऊँगा आपको। लेकिन एक आदमी जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तो वो किस लेवल पे होना चाहिए तब वो साधना में सफल हो पाता है, ये मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि साधना, सबसे पहले तो साधना क्षेत्र में जाने के लिए आप लोगों को उस लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब